मैनेजिंग मल्टी ब्रांच डिटेल्स। इस प्रेजेंटेशन के माध्यम से हम बिजी में मल्टी ब्रांच डिटेल्स फीचर के बारे में जानेंगे। मैनेजिंग मल्टी ब्रांच डिटेल्स, जैसा कि नाम सजेस्ट करता है कि आप मल्टीपल ब्रांचेस जो हैं अपनी कंपनी की वो मेंटेन कर सकते हैं। यदि आपकी कंपनी में कई सारी ब्रांचेस हैं अलग अलग लोकेशंस पे, तो उन सब का कंबाइंड डेटा जो है आप एक ही कंपनी में मेंटेन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आपने एक ही कंपनी क्रिएट करी, उसमें हेड ऑफिस के लिए अलग आपने प्रोफाइल बनाया, अलग अलग ब्रांचेस के लिए अलग आपने लॉगिन्स बनाए, और जिस भी ब्रांच से आप लॉगिन करेंगे उस ब्रांच का डेटा अलग से आप व्यू कर सकते हैं, और कंसोलिडेटेड उसको सभी ब्रांचेस और हेड ऑफिस का डेटा कंबाइन करके भी आप रिपोर्ट्स जो है व्यू कर सकते हैं। बहुत ही पावरफुल फीचर्स है, येट बहुत ही सिंपल है। एट द सेम टाइम एक ही कंपनी में अलग अलग ब्रांचेस से आप लॉगिन कर सकते हैं और ट्रांजैक्शंस एंटर कर सकते हैं। मल्टी ब्रांच डिटेल फीचर को इम्प्लीमेंट करने के लिए आपको सबसे पहले इन स्टेप्स को फॉलो करना पड़ेगा। स्टेप 1, मल्टीपल ब्रांचेस क्रिएट करनी पड़ेंगी। स्टेप 2, ब्रांच वाइज वाउचर सीरीज ग्रुप क्रिएट करने पड़ेंगे, ब्रांच वाइज यूजर्स क्रिएट करेंगे, ब्रांच वाइज मटेरियल सेंटर्स, एंड देन ब्रांच वाइज वैट जीएसटी जो है आप कन्फिगर करेंगे। ये हुए हमारे स्टेप 1-5। उसके बाद आप ब्रांच वाइज ओपनिंग बैलेंस अकाउंट मास्टर का मेंटेन करेंगे, एंड ब्रांच वाइज ओपनिंग बैलेंस एंड प्राइजेस जो है आइटम मास्टर के मेंटेन करेंगे। ब्रांच वाइज टैक्सेशन कॉन्फ़िगर करेंगे, सेल परचेज ट्रांजैक्शन सेंटर करेंगे, और उसके बाद व्यू या प्रिंट कर सकते हैं आप ब्रांच वाइज रिपोर्ट्स या फिर कंसोलिडेटेड रिपोर्ट्स फॉर ऑल द ब्रांचेस। इस प्रेजेंटेशन में सबसे पहले हम जॉइंटली जो हमारे फर्स्ट 5 स्टेप्स हैं उनको कवर करेंगे। इन 5 स्टेप्स को हम एक साथ देखेंगे, एक साथ इनको कॉन्फ़िगर करेंगे या हम कवर करेंगे इस प्रेजेंटेशन में। हमारे फर्स्ट 5 स्टेप्स कंप्राइज करते हैं मल्टीपल ब्रांचेस क्रिएट करना और ब्रांच वाइज वाउचर सीरीज ग्रुप, यूजर, मटेरियल सेंटर क्रिएट करना, और ब्रांच वाइज वैट या जीएसटी डिटेल्स, बेसिकली टैक्सेशन डिटेल्स जो हैं वो कॉन्फ़िगर करना। सबसे पहले हम यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन, कॉन्फ़िगरेशन, फीचर्स ऑप्शंस, एंटरप्राइज फीचर्स टैब में जाके मल्टी ब्रांच डिटेल्स फीचर को एनेबल करेंगे। फीचर को एनेबल करने पे ब्रांच डिटेल्स बटन अपीयर होगा, जिसको क्लिक करके हम वेरियस ब्रांचेस क्रिएट कर सकते हैं और उनको कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हमने एड ब्रांच मास्टर बटन को क्लिक किया। ब्रांच का नाम बताएंगे जिस ब्रांच के लिए आप ये क्रिएट कर रहे हैं ब्रांच ऑफिस। वाउचर सीरीज ग्रुप क्रिएट करना है इस ब्रांच के लिए, यूजर क्रिएट करना है, और मटेरियल सेंटर क्रिएट करना है या नहीं। इन तीनों ऑप्शंस में आप अकॉर्डिंगली बताएंगे कि आपको ये तीनों ऑप्शंस एनेबल करनी है या नहीं करनी। यहाँ पे हमने जैसे ब्रांच नेम रोहतक दिया, तो ये तीनों ऑप्शंस को एनेबल करने पर वाउचर सीरीज ग्रुप, मटेरियल सेंटर और यूजर, ये तीनों रोहतक नाम से जो है क्रिएट हो जाएंगे। तो बेसिकली रोहतक ब्रांच क्रिएट होते ही उसके लिए एक मटेरियल सेंटर रोहतक, रोहतक वाउचर सीरीज ग्रुप और रोहतक ही नाम से यूजर क्रिएट हो जाएगा। इसके बाद एड्रेस डिटेल्स बताई, स्टेट बताई जिस स्टेट में ये ब्रांच एग्जिस्ट करती है, टैग वाउचर सीरीज ग्रुप, वाउचर सीरीज ग्रुप को इसके साथ टैग करना है। हमने यस कहा तो देखिए रोहतक नाम से एक वाउचर सीरीज ग्रुप उसने दिखा दिया। ये अभी जस्ट ब्रांच क्रिएट करते टाइम ही ये वाउचर सीरीज ग्रुप जो है क्रिएट हुआ है। इसके बाद है डिसेबल वाउचर सीरीज ग्रुप फिल्टर इन रिपोर्ट्स, कि आप वाउचर सीरीज ग्रुप का फिल्टर रिपोर्ट्स में देखना चाहते हैं या नहीं देखना चाहते। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है कॉन्फ़िगर वैट डिटेल्स। यदि आप वैट डिटेल्स कॉन्फ़िगर करना चाहते हैं तो यहाँ पे ये स्पेसिफाई करके वैट जीएसटी बटन को आप क्लिक करेंगे। यहाँ पे ब्रांच नेम अपीयर हो रहा है, टाइप वैट आ रहा है क्योंकि हमने कंपनी क्रिएशन के टाइम वैट लिया हुआ है, जीएसटी नहीं। यहाँ पे आप चाहें तो टिन नंबर जो है वो आप चेंज कर सकते हैं, बिकॉज ये स्टेट चेंज हुई है, हरियाणा स्टेट के लिए है। तो जो भी आपका टिन नंबर है इस पर्टिकुलर ब्रांच का वो आप यहाँ पे स्पेसिफाई कर सकते हैं। राइट हैंड साइड पे आप देख सकते हैं मटेरियल सेंटर नेम नजर आ रहा है। उसके बाद बॉटम में बटन है क्रिएट मास्टर्स फॉर ब्रांच। इस बटन को क्लिक करके आप डिफरेंट मास्टर्स क्रिएट कर सकते हैं एट वन को। सबसे पहले आपने मास्टर्स टाइप सेलेक्ट किया, यहाँ पे हमने मास्टर टाइप अकाउंट सेलेक्ट किया और बताया कौन कौन से जो मास्टर्स हैं वो एस पर ब्रांच हमें क्रिएट करने हैं। हमने यहाँ पे स्टाफ वेलफेयर एक्सपेंस और टेलीफोन एक्सपेंस अकाउंट लिया और यहाँ पे बताया कि सफिक्स जो है रोहतक इनके आगे ऐड करना है। इसी तरीके से आप प्रीफिक्स बता सकते हैं, कोई डिलिमिटर साइन बता सकते हैं, तो हमने सफिक्स बताया। तो ये दोनों अकाउंट्स जो है एज इट इज रहेंगे, इनके एंड पे रोहतक वर्ड जो है अपेंड हो जाएगा, यानी कि सफिक्स जो है रोहतक लग जाएगा। तो यानी स्टाफ वेलफेयर एक्सपेंस रोहतक, टेलीफोन एक्सपेंस रोहतक, इस नाम से अकाउंट आपके क्रिएट हो जाएंगे। सेव बटन प्रेस करेंगे इस ब्रांच की कॉन्फ़िगरेशन को सेव करने के लिए। नेक्स्ट हमने एक और ब्रांच क्रिएट करी, मुंबई ब्रांच। मुंबई ब्रांच का एड्रेस बताया, वाउचर सीरीज ग्रुप देखिए मुंबई अपने आप क्रिएट हो गया, उसे टैग किया।
वैट डिटेल्स बताई, यहाँ पे 10 नंबर चेंज किया। और यदि आप मास्टर्स क्रिएट करना चाहते हैं इस ब्रांच के लिए तो वह भी आप कर सकते हैं। नेक्स्ट हम एडमिनिस्ट्रेशन कॉन्फ़िगरेशन वाउचर्स कॉन्फ़िगरेशन में जाएंगे और वाउचर सीरीज ग्रुप मैनेजमेंट बटन को क्लिक करेंगे, जो भी हमने वाउचर सीरीज ग्रुप क्रिएट हुआ है उसे कॉन्फ़िगर करने के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने यहाँ पे मुंबई ब्रांच जो है उसके लिए वाउचर सीरीज ग्रुप मुंबई जो क्रिएट हुआ था उसे सिलेक्ट किया। और यहाँ पे हम सीरीज सिलेक्ट कर सकते हैं जो जो हमें इस ब्रांच में चाहिए। देखिए ऑटोमेटिकली मुंबई नाम से हर एक वाउचर की सीरीज क्रिएटेड है वो आ रही है। ऐसे ही आप रोहतक ब्रांच के लिए भी इसे कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। रोहतक ब्रांच हमने सिलेक्ट करी, बाय डिफ़ॉल्ट सीरीज सिलेक्टेड हैं, आप इन्हें कुछ सीरीज़ को हटा सकते हैं या कुछ ऐड कर सकते हैं। वैट रोहतक अकाउंट को हमने सिलेक्ट किया और सेव बटन प्रेस किया इस कॉन्फ़िगरेशन को सेव करने के लिए। नेक्स्ट अब हम यूज़र प्रोफाइल में जाएंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं मुंबई और रोहतक ये दो नाम से यूजर्स क्रिएट हो गए हैं। आपको ध्यान होगा कि जब हमने ब्रांच क्रिएट करी थी तो हमने बताया था कि स्पेसिफिकली इसी नाम से यूजर्स भी क्रिएट हो जाएं। तो हमने मुंबई यूजर को मॉडिफाई मोड में ओपन किया और वाउचर सीरीज ग्रुप यहाँ पे मुंबई आ ही रहा है। ब्रांच जो है देखिए मुंबई इसके साथ टैग्ड है। इसी तरीके से यदि आप रोहतक यूजर को मॉडिफाई मोड में ओपन करते तो उसके साथ रोहतक ब्रांच जो है वो टैग होती। नेक्स्ट आप मास्टर्स की लिस्ट में मटेरियल सेंटर मास्टर्स में जा सकते हैं और देख सकते हैं मुंबई और रोहतक दोनों ही के नाम से एक एक मटेरियल सेंटर जो है क्रिएटेड है, क्योंकि ब्रांच के टाइम पे हमने मटेरियल सेंटर मास्टर भी क्रिएट किया था। आप इनमें चाहें तो अपडेशंस कर सकते हैं, जैसे आप ब्रांच का एड्रेस बता सकते हैं या कोई और चेंज आप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। तो ये तो हुए हमारे स्टार्टिंग 5 स्टेप्स कि हमने ब्रांच क्रिएट करी और उसे कॉन्फ़िगर किया, यानी कि वाउचर सीरीज ग्रुप हमने उसके साथ टैग किया, मटेरियल सेंटर क्रिएट करे। अब हम अपना 6 स्टेप फॉलो करेंगे। हमारा 6 स्टेप है ब्रांच वाइज अकाउंट मास्टर के ओपनिंग बैलेंसेस मेंटेन करना, यानी कि हर ब्रांच के लिए आप सेपरेट जो है ओपनिंग बैलेंसेस बता सकते हैं और उन सब का टोटल जो कम्बाइंड होगा वो आपका पूरे पार्टी मास्टर का जो है ओपनिंग बैलेंस ट्रीट किया जाएगा। सबसे पहले हमने एक नया अकाउंट क्रिएट किया, यहाँ पे हमने स्टार ट्रेडर्स के नाम से एक अकाउंट क्रिएट किया, ग्रुप बताया सन्ड्री डेटर्स और मेंटेन ब्रांच वाइज ओपनिंग बैलेंस फील्ड में ये स्पेसिफाई किया। ये स्पेसिफाई करते ही ब्रांच वाइज ओपनिंग बैलेंस विंडो अपीयर हुई, जिसमें कि हमने डिफरेंट ब्रांचेस के लिए डेबिट या क्रेडिट जो भी बैलेंस है वो यहाँ पे स्पेसिफाई करें, दोनों ब्रांचेस का टोटल होके यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस फील्ड में जो है नजर आ गया। इसके बाद हमने एक और ब्रांच क्रिएट करी आस्था एंटरप्राइजेस रोहतक, यानी कि पर्टिकुलरली जो है रोहतक ब्रांच के लिए। इसमें हमने ब्रांच वाइज ओपनिंग बैलेंस फील्ड को एनेबल नहीं किया क्योंकि इसमें हमें डिफरेंट ब्रांचेस के बैलेंसेस मेंटेन नहीं करने, यह सिर्फ रोहतक ब्रांच में ही यूज होगी ये पार्टी। नेक्स्ट हमने ओम ट्रेडर्स मुंबई के नाम से एक पार्टी क्रिएट करी, अगेन ये भी हमारी मुंबई ब्रांच की पार्टी है तो इसमें मेंटेन ब्रांच वाइज ओपनिंग बैलेंस को हमने एनेबल नहीं किया क्योंकि इसमें सिर्फ मुंबई ब्रांच जो है उसी से डीलिंग होगी। नेक्स्ट हमने स्टॉक अकाउंट को मॉडिफाई मोड में ओपन किया, यहाँ पे हमने मेंटेन ब्रांच वाइज ओपनिंग बैलेंस को एनेबल किया और डिफरेंट ब्रांचेस में जितने वैल्यू का स्टॉक पड़ा है वो यहाँ पे हमने स्पेसिफाई किया, जैसे रोहतक में 5 लाख एंड मुंबई में 6 लाख जो है हमने स्टॉक का वैल्यू बताया है। सेव बटन प्रेस किया मास्टर को सेव करने के लिए। अब हम अपना 7th स्टेप परफॉर्म करेंगे जो है ब्रांच वाइज ओपनिंग बैलेंसेस और प्राइसेस आइटम मास्टर के मेंटेन करना। आप आइटम्स के अलग अलग ओपनिंग बैलेंसेस ब्रांच वाइज और अलग अलग प्राइसेस स्पेसिफाई कर सकते हैं ब्रांच वाइज। सबसे पहले हमने आइटम मास्टर में ऐड मोड में एक न्यू आइटम ऐड करा, सोनी ब्राविया LED TV। ओपनिंग स्टॉक हमने इसका बताया 44 पीसेस और इसकी वैल्यू बताई 11 लाख रुपीज। सेव बटन प्रेस करते ही मटेरियल सेंटर वाइज ओपनिंग स्टॉक डिटेल्स विंडो अपीयर हुई, जिसमें हमने सबसे पहले रोहतक ब्रांच सिलेक्ट करी और हमने बताया कि 20 पीसेस जो है रोहतक ब्रांच के हैं 5 लाख वैल्यू के और 24 पीसेस जो है मुंबई ब्रांच के हैं 6 लाख वैल्यू के। ओके बटन प्रेस करने पर ब्रांच वाइज प्राइस इन्फॉर्मेशन विंडो अपीयर हुई, जिसमें हम अलग अलग ब्रांचेस के अलग अलग प्राइसेस स्पेसिफाई कर सकते हैं, यानी कि रोहतक ब्रांच में ये आइटम का सेलिंग प्राइस 28,000 रुपीज है और मुंबई ब्रांच में इस आइटम का सेलिंग प्राइस 27,000 रुपीज है। सेव बटन प्रेस किया आइटम मास्टर को सेव करने के लिए। इसके बाद हम अपना 8th स्टेप देखेंगे जो है कि ब्रांच वाइज टैक्सेशन कन्फिगर करना। ब्रांच वाइज आप अलग अलग टैक्सेशन बता सकते हैं, जैसे कि हर ब्रांच पे आपके टैक्स रेट्स जो हैं डिफरेंट होंगे। तो इसके लिए हम सबसे पहले टैक्स कैटेगरी मास्टर में गए और हमने 12.5% टैक्स कैटेगरी मास्टर को ओपन किया। देखिए यहाँ पे ब्रांच में ऑल आ रहा है, यानी अभी ऑल ब्रांचेस के लिए यही रेट है।
यहाँ पे हमने मुंबई ब्रांच सेलेक्ट किया और रेट ऑफ टैक्स लोकल जो है 13.5% स्पेसिफाई कर दिया। सेव बटन प्रेस किया इसे सेव करने के लिए। अगेन हमने 12.5% को मॉडिफाई मोड में ओपन किया। रोहतक ब्रांच हमने सिलेक्ट करी, यहाँ पे भी 13.5% बताया कि रोहतक ब्रांच के लिए भी 13.5% रेट है। तो जब आप मुंबई ब्रांच से ट्रांजेक्शन करेंगे या रोहतक ब्रांच से तो 13.5% रेट अप्लाई होगा, और यदि आप हेड ऑफिस से करते हैं या किसी और ब्रांच से तो 12.5% रेट जो है अप्लाई होगा इस टैक्स टाइप को सिलेक्ट करने पे। अभी तक वी आर डन विद द टैगिंग पार्ट, या जितना भी कॉन्फ़िगरेशन था ब्रांच वाइज वो हमने अभी सेट कर लिया, बेसिकली ब्रांचेस को पूरा कॉन्फ़िगर कर लिया कि किस तरीके से हमें उस पर वर्क करना है। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा ब्रांच वाइज ट्रांजेक्शन एंटर करना। इसके लिए सबसे पहले हम एक ब्रांच से लॉगिन करेंगे। आपको ध्यान होगा यूजर जो है उसी ब्रांच नेम से क्रिएट हुए थे और उनके साथ हमने ब्रांचेस को टैग किया था। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे कंपनी को ओपन किया और यूजर नेम रोहतक बताया। अब हमने एक सेल्स वाउचर एंटर किया। यहाँ पे देखिए सीरीज जो है रोहतक नाम से ऑटोमेटिकली क्रिएट हो गई। पार्टी हमने स्टार ट्रेडर्स ली, सोनी ब्राविया आइटम ली जिसका कि प्राइस 28,000 पिक होके आ गया क्योंकि ब्रांच वाइज हमने रोहतक ब्रांच का जो प्राइस है 28,000 बताया था। और टैक्स विंडो में, वैट डिटेल्स विंडो में आप देख सकते हैं 13.5% जो है टैक्स रेट इस पे अप्लाई हुआ है। ऑल्दो इसकी टैक्स कैटेगरी 12.5% है लेकिन रेट जो है बाय डिफॉल्ट 13.5% आया है क्योंकि हमने रोहतक ब्रांच के लिए यही रेट स्पेसिफाई किया था। नेक्स्ट हम एक और सेल्स का वाउचर एंटर करेंगे रोहतक ब्रांच के लिए। यहाँ पे हमने आस्था एंटरप्राइज रोहतक पार्टी हमने सिलेक्ट करी है। सोनी ब्राविया आइटम सेल करा, 1 पीसेस एट द रेट ऑफ 28,000 पर पीस और वैट 13.5% इस पे अप्लाई हुआ है। सेव बटन प्रेस किया इस वाउचर को सेव करने के लिए। अब हम डिस्प्ले में अकाउंट बुक्स लेजर यदि व्यू करते हैं अकाउंट वाइज, तो देखिए हमने एक पर्टिकुलर अकाउंट स्टार ट्रेडर्स के लिए ये लेजर जो है व्यू करा। ओपनिंग बैलेंस है 1,15,000 उसने यहाँ पे शो कर दिया। वाउचर बिल नंबर देखिए सीरीज में रोहतक अपेंड होके आ रहा है और जितना भी इस पार्टी का बैलेंस है वो यहाँ पे शो हो गया। आपको ध्यान होगा हमने ब्रांच वाइज जो है ओपनिंग बैलेंस इतना ही स्पेसिफाई किया था रोहतक ब्रांच के लिए। अब हमने आस्था एंटरप्राइजेस के लिए यदि ये लेजर व्यू करा तो आप देखिए ओपनिंग बैलेंस में 0 आ रहा है क्योंकि हमने ओपनिंग बैलेंस इसका कुछ भी स्पेसिफाई नहीं किया था। इसके बाद हम इस कंपनी को क्लोज करते हैं और अब हम यहाँ पे लॉगिन करते हैं मुंबई ब्रांच से। तो मुंबई हमने यूजर नेम बताया, सबसे पहले हमने एक सेल्स का वाउचर एंटर किया। देखिए मुंबई सीरीज ऑटोमेटिकली क्रिएटेड है यहाँ पे। उसके बाद वाउचर नंबर में आप देख सकते हैं मुंबई वर्ड अपेंडेड है। स्टार ट्रेडर्स हमने पार्टी ली, सोनी ब्राविया आइटम सेलेक्ट करी। देखिए यहाँ पे सेलिंग प्राइस जो है 27,000 आ रहा है क्योंकि हमने मुंबई ब्रांच के लिए इस आइटम का सेलिंग प्राइस 27,000 बताया था। वैट रेट 13.5% अप्लाई हुआ। सेव बटन प्रेस करेंगे इस वाउचर को सेव करने के लिए। नेक्स्ट हमने एक और सेल्स का वाउचर एंटर किया ओम ट्रेडर्स मुंबई पार्टी से। आइटम सेलेक्ट करी, वैट रेट स्पेसिफाई करे और सेव बटन प्रेस किया इस वाउचर को सेव करने के लिए। अब यदि हम लेजर व्यू करते हैं स्टार ट्रेडर्स के लिए, सबसे पहले हमने ये लेजर व्यू करा तो आप देख सकते हैं स्क्रीन पर कि इसका ओपनिंग बैलेंस जो है 95,000 आ रहा है क्योंकि हमने मुंबई ब्रांच के लिए इसका ओपनिंग बैलेंस 95,000 बताया था और रोहतक ब्रांच के लिए 1,15,000 बताया था। तो इस तरीके से आप जो है अलग अलग ओपनिंग बैलेंसेस एक ही पार्टी के ब्रांच वाइज मेंटेन कर सकते हैं। ओम ट्रेडर्स मुंबई पार्टी हमने सिलेक्ट करी, ओपनिंग बैलेंस इसका 0 आ रहा है क्योंकि हमने ब्रांच वाइज ओपनिंग बैलेंस भी मेंटेन नहीं करे हुए थे, प्लस हमने इसका ओपनिंग बैलेंस एंटर ही नहीं किया था। इसका जो भी बैलेंस है वो स्क्रीन पर आपको नजर आ रहा है। इसके बाद हमारा 10th स्टेप है रिपोर्ट्स व्यू करना। अभी तक हमने ब्रांच वाइज ट्रांजेक्शन एंटर कर ली सब। नेक्स्ट स्टेप है आप रिपोर्ट्स जो है व्यू या प्रिंट कर सकते हैं ब्रांच वाइज या फिर कंसोलिडेटेड हेड ऑफिस से आप ये रिपोर्ट्स व्यू कर सकते हैं जिसमें कि सभी ब्रांचेस का डेटा आपको नजर आएगा। तो हमने यूजर एडमिन से कंपनी में लॉगिन किया। यूजर एडमिन जो है हमारा हेड ऑफिस पे है। सबसे पहले हम डिस्प्ले में फाइनल रिजल्ट्स में बैलेंस शीट हमने व्यू करी ऑल ब्रांचेस के लिए। तो आप देख सकते हैं ऑल के केस में ये आपका रिजल्ट आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है। यदि आप यही बैलेंस शीट पर्टिकुलर ब्रांच के लिए सिलेक्ट करते हैं व्यू करते हैं, जैसे हमने मुंबई ब्रांच के लिए ली, तो देखिए आपको जितने भी फिगर्स हैं स्क्रीन पे वो डिफरेंट नजर आएंगे। बेसिकली वो ब्रांच वाइज हो गई। तो बहुत ही अच्छा फिल्टर है, आप अलग ब्रांचेस के लिए हर ब्रांच का अलग से रिकॉर्ड व्यू कर सकते हैं या कंबाइंड सभी ब्रांचेस का इंक्लूडिंग हेड ऑफिस जो है रिजल्ट आप व्यू कर सकते हैं। इसके बाद हमने यदि लेजर व्यू करा वन अकाउंट स्टार ट्रेडर्स के लिए, यदि हम ये लेजर व्यू करते हैं सभी ब्रांचेस का, सबसे पहले हम ये व्यू करते हैं ऑल, मतलब कि कंसोलिडेटेड हम ये रिपोर्ट व्यू करते हैं,
तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं उसने शो कर दिया मुंबई ब्रांच से ये ट्रांजेक्शन थी, रोहतक ब्रांच से ये ट्रांजेक्शन थी और टोटल ओपनिंग बैलेंस उसका ये था कम्बाइंड जो है दोनों ब्रांचेस का वो उसने शो कर दिया। सिमिलरली आप मुंबई ब्रांच से यदि व्यू करना चाहते हैं तो देखिए ओपनिंग बैलेंस में फर्क आ गया। इस तरीके से आप ब्रांच वाइज या फिर कंसोलिडेटेड रिपोर्ट्स व्यू कर सकते हैं। अब हम यदि क्लोजिंग स्टॉक व्यू करते हैं, क्लोजिंग स्टॉक अल्फाबेटिकल बैलेंसेज ओनली सभी मटेरियल सेंटर्स पे सभी आइटम्स का, तो देखिए यहाँ पे हमने ऑल सिलेक्ट किया कि सभी ब्रांचेस का हमें व्यू करना है, तो इसमें 35 पीसेस जो है स्टॉक स्टेटस में आपको नजर आ रहे हैं। यदि आप मुंबई ब्रांच के लिए रिपोर्ट व्यू करते हैं तो स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि स्टॉक जो है 18 पीसेस आपको नजर आएगा। इसी तरीके से यदि आप रोहतक ब्रांच के लिए व्यू करते तो स्टॉक जो है 17 पीसेस का आपको नजर आ जाता। इसके बाद हम अगेन रोहतक ब्रांच से यदि लॉगिन करते हैं तो आप यहां पे देख सकते हैं बैलेंस शीट में यदि आप जाते हैं, डेट वाइज हमने बैलेंस शीट व्यू करी तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं क्या फिगर्स आपको नजर आ रही हैं। हमने पहले हेड ऑफिस में जब इस ब्रांच का तो यही रिकॉर्ड आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा था। इसी तरीके से हम स्टॉक व्यू करते हैं, हमने यहाँ पे ऑल एमसी ऑल आइटम्स का स्टॉक व्यू करा लेकिन रोहतक ब्रांच के लिए, तो देखिए 17 पीसेस जो है उसने शो कर दिया। होप इस प्रेजेंटेशन के थ्रू आप इजीली बिजी में मल्टी ब्रांच डिटेल्स फीचर को यूज कर पाएंगे। देखने के लिए धन्यवाद और वीडियोस के लिए हमारे YouTube चैनल पर सब्सक्राइब करें।